नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रिश आपका स्वागत करता हूँ एडवोकेट अंग्रिश में। दोस्तों, आज की ये वीडियो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं केवल महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करूँगा। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं ऐसे आपको कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में बताऊँगा जो स्वयं कानून ने महिलाओं को दिए हैं। दोस्तों, आज के इस आधुनिक समाज में महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद भी अपने कुछ कानूनी अधिकारों से आज भी अनजान हैं। दोस्तों, आज भी एक बड़ा वर्ग अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। आज महिलाएं कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। इन सभी के बावजूद उनके साथ होने वाले अन्याय, बलात्कार, प्रताड़ना, शोषण आदि में आज भी कोई कमी नहीं आई है। और दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं होना है। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा महिलाओं से जुड़े हुए कुछ कानूनी अधिकार। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वे अधिकार बताऊंगा जो घरेलू हिंसा से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर शादीशुदा या अविवाहित महिलाएं अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वे रह रही हैं। यानी कि अगर उनके साथ कोई प्रताड़ना या फिर अन्याय हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद भी उसी घर में रह सकती है, ना कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर उसे वहाँ से जाना होगा। दोस्तों, यदि कोई महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके पैसे, शेयर्स या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस कानून का इस्तेमाल करके वे इसको रोक भी सकती हैं। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत घर का बंटवारा कर महिला को उसी घर में रहने का अधिकार मिल जाता है और उसे प्रताड़ित करने वाले को उससे बात तक करने की इजाज़त नहीं दी जाती। दोस्तों, एक महिला विवाहित होने की स्थिति में अपने बच्चे की कस्टडी या मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का मुआवजा मांगने का भी उसे कानून पूरा अधिकार देता है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय में गुहार लगा सकती है। इसके लिए वकील को लेकर जाना भी यहाँ पर जरूरी नहीं होगा। अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला वकील, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो वो खुद भी अपना पक्ष रख सकती है। दोस्तों, ये तो बात हो गई घरेलू हिंसा से जुड़े अधिकारों की। अब हम आपको बताएंगे लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कुछ अधिकार। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में महिला पार्टनर को वही दर्जा प्राप्त होता है जो किसी विवाहित को मिलता है। दोस्तों, अगर लिव इन रिलेशनशिप संबंधों के दौरान यदि पार्टनर अपनी जीवन साथी को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दे तो पीड़ित महिला घरेलू हिंसा कानून की सहायता ले सकती है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुई संतान वैध मानी जाती है और उसे भी संपत्ति में हिस्सा पाने का पूरा पूरा अधिकार होता है। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए यदि कोई पुरुष दूसरी महिला से लिव इन रिलेशनशिप रखता है तो दूसरी पत्नी को भी गुजारा भत्ता पाने का पूरा पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, हम अब आगे उन अधिकारों के बारे में बात करेंगे जो कि महिलाओं के जमीन से जुड़े हुए अधिकार होते हैं। विवाहित या अविवाहित महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा पाने का हक है। इसके अलावा विधवा बहू अपने ससुर से गुजारा व संपत्ति में हिस्सा पाने का भी अधिकार रखती है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन के तहत पति और पत्नी दोनों की जितनी भी संपत्ति है उसके बंटवारे का भी मांग पत्नी कर सकती है। इसके अलावा पत्नी को अपने स्त्री धन पर उसी का पूरा पूरा अधिकार रहता है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट में महिलाएं संपत्ति में बंटवारे की मांग नहीं कर सकती, लेकिन कॉर्पोरेंसी राइट के तहत उन्हें अपने दादाजी या अपने पुरखों द्वारा अर्जित संपत्ति से भी हिस्सा पाने का पूरा अधिकार दिया है। यह कानून सभी राज्यों में लागू हो चुका है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के बारे में, यानी कि वर्किंग वुमेन राइट्स। समान काम के लिए महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन पाने का पूरा पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत विधवा अपने मृत पति की संपत्ति में अपने हिस्से की पूर्ण मालकिन होती है। पुनः विवाह कर लेने के बाद भी उसका अधिकार बना रहता है।
दोस्तों, यदि पत्नी एचआईवी ग्रस्त है तो उसे अधिकार है कि उसका पति उसका देखभाल करे। दोस्तों, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एक केस में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि दूसरी पत्नी को उसके पति द्वारा दोबारा विवाह के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसे यह बात कल्पित नहीं की जा सकती कि उसे अपने पति के पहले विवाह के बारे में जानकारी थी। दोस्तों, अब हम ऐसे कुछ मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो इन्हीं अधिकारों से जुड़े हुए हैं और आपको इनकी जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है। मासूम बच्चियों के साथ बढ़ते बलात्कार के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अब बच्चियों से सेक्सुअल करने वाले और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले लोगों के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बलात्कार के बराबर ही अपराध माना जाता है। कई बार बलात्कार की शिकार महिलाएं पुलिस जांच और मुकदमों के दौरान जलालत व अपमान से बचने के लिए चुप रह जाती हैं। अतः हाल ही में सरकार ने सीआरपीसी में बहुप्रतीक्षित संशोधन का नोटिफिकेशन कर दिया, जो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, बलात्कार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई महिला जज ही करेगी। ऐसे मामलों की सुनवाई 2 महीने में पूरी करने का प्रयास होगा। बलात्कार पीड़िता के बयान महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी। बयान पीड़िता के घर में उसके परिजनों की मौजूदगी में लिखे जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद अपनी माँ, जो स्वतः अपना पोषण नहीं कर सकती, उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन के तहत कोर्ट उसे माँ के पोषण के लिए पर्याप्त रकम देने का आदेश दे देगा। हाल में सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार अकेली रहने वाली महिला को खुद के नाम पर राशन कार्ड बनवाने का पूरा पूरा अधिकार है। लड़कियों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन पाने का अधिकार होता है। दोस्तों, यदि अभिभावक अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर देते हैं तो वह लड़की बालिग होने पर दोबारा शादी कर सकती है, क्योंकि कानूनी तौर पर नाबालिग विवाह मान्य नहीं होता। दोस्तों, अब दोस्तों इस वीडियो के आखिर में हम पुलिस स्टेशन से जुड़े महिलाओं के कुछ विशेष अधिकारों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके साथ हुआ अपराध या आपकी शिकायत गंभीर प्रकृति की है तो पुलिस FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है। यदि पुलिस FIR दर्ज करती है तो FIR की कॉपी देना पुलिस का कर्तव्य है। सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह की पूछताछ के लिए किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जा सकता। पुलिस स्टेशन में किसी भी महिला से पूछताछ करने या उसकी तलाशी के दौरान महिला कांस्टेबल का होना बेहद जरूरी है। महिला अपराधी की डॉक्टर जांच महिला डॉक्टर ही करेगी, या महिला डॉक्टर की उपस्थिति के दौरान कोई पुरुष डॉक्टर उनकी जांच करेगा। किसी भी महिला गवाह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ने पर उससे पूछताछ के लिए पुलिस को उसके घर भी जाना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, यही कुछ वो आज के महत्वपूर्ण अधिकार थे जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की कानूनी जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए।